नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देश पर नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन फेज 2 के दौरान जनपद के थानों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों के चौराहे, मुख्य मार्ग, गलियों में भ्रमणशील रहकर लाउड के माध्यम से सभी को अपील की जा रही है कि वे घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मात्र आवश्यक कार्य के लिए अपने घरों से निकले, कहीं पर भी भीड़ न लगाएं। मुस्लिम समुदाय के लोगों से खासकर अपील की गई कि आगामी रमजान के दौरान भी धारा 144 का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें। जिले के हर थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन का कितना अनुपालन हो रहा है इसकी पड़ताल के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरे की सहायता ली। जुमे की नमाज के अवसर पर नमाजियों से अपील की गई कि लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, बाहर न निकलें, कहीं पर भी भीड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकें। आप देख रहे हैं अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन चल रहा है, धारा 144 लागू है। आप लोग अपने अपने घरों में रहें, अनायास बाहर न निकलें। फल, सब्जी, आवश्यक सामग्री डोर टू डोर पहुंच रही है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, मुस्लिम बंधुओं से अपील की जाती है कि आज जुमे की नमाज है, पूर्व की बात आज भी अपने घरों में नमाज अदा करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करेंगे एवं आगामी रमजान में भी इन्हीं बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। अपने घरों में ही नमाज पढ़ेंगे, रोजा अफ्तार भी घरों में ही करेंगे, अनायास भीड़ एकत्र नहीं करेंगे। धारा 144 के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे।